मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि निशांत रसोई में काम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास करण आते हैं और करण कहते हैं कि निशांत मुझे रश्मि की ये बातें समझ नहीं आती। तब निशांत कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे पूरी बात समझाओ। तभी करण कहते हैं कि उम्र को मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ और कभी भी मैं उसके पर्सनल डिसीजन में नहीं आना चाहता और मैं कभी भी उसको ये छोटी छोटी बात के लिए नहीं कह सकता कि ये सही है ये गलत है, तुम इसके साथ रहो इसके साथ मत रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उम्र को इतना कहूँगा तो उम्र को लगेगा कि मैं उसके ऊपर रोब जाड़ रहा हूँ, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रश्मि देसाई है वो उम्र का फ़ायदा उठा रही है। तब निशांत कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि जब कल कोई टास्क हुआ था जिसमें स्टिकर पर किसी ने उम्र के स्टिकर पर क्रॉस लगा दिया था, तो करण कहता है कि वो क्रॉस जब लगाया था उसके बाद मैं गया था, उससे पहले रश्मि देसाई गई थी और जब मैं गया तो मुझे एकदम से दिस गया और रश्मि देसाई को जी दिसा क्यों नहीं, और जिस लिपस्टिक के साथ क्रॉस लगाया था वो ही लिपस्टिक रश्मि देसाई के लगी हुई थी, वो ही सेम कलर वो ही सेम था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसके जो फ़ोटो पर क्रॉस लगाया गया है वो रश्मि देसाई ने लगाया है। कहीं ना कहीं वो बैक जाकर उमर रियाज के अगेंस्ट खेल रही है और सामने से उसका फ़ायदा उठा रही है। निशांत कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ राखी कर रही है मज़े लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं सभी घर वालों के बीच लड़ाई कराना चाहती है इसीलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन करण कह रहे हैं कि नहीं, मैं 95% कह सकता हूँ कि ये रश्मि का काम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रश्मि ने ऐसा क्यों किया, रश्मि ने उमर के अगेंस्ट जाकर उमर को ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो एक हर्ट करने वाली बात हुई ना। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैं उमर के पास गया और उमर को बातों बातों में समझाया और मैं ये भी डर रहा था कि उमर रश्मि पर इतना ट्रस्ट कर रहा है कहीं उसका दिल ना टूट जाए, लेकिन जब उमर ने मेरी बात समझी और उसने रश्मि से पूछा तो रश्मि उसको चिल्लाने लगी, उसके ऊपर भड़क गई। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रश्मि का इस काम में हाथ है। आपका क्या मानना है, क्या करण सही है और आपको क्या लगता है कि रश्मि देसाई सच में उमर रियाज का फ़ायदा उठा रही है जो उसके बैक फील्ड में खेल रही है? प्लीज़ हमें कमेंट करकर जी अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जी। धन्यवाद।